बात करते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट सर की, उनकी वेल्थ की, उनकी टीचिंग्स की, उनकी प्रिंसिपल्स की। चलो उनमें से एक प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली। एक प्रिंसिपल क्या कहता है, शुड यू फाइंड योर सेल्फ इन अ क्रॉनिकली लीकिंग बोट, एनर्जी डिवोटेड टू चेंजिंग वेसल्स इज लाइकली टू बी मोर प्रोडक्टिव देन एनर्जी डिवोटेड टू पैचिंग लीक्स। आपको उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए जो सडनली किसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से या उनकी उनकी मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम आ गई, लाइक येस बैंक, पीसी ज्वेलर। आपको उन शेयर्स में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए चाहिए जो सडनली 30 से 40% गिर गए हो। बट अगर वो शेयर्स, कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं 30 से 40% गिरते भी हैं बट वो सडन फॉल नहीं आता, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करेक्ट होते हैं। तो आपको उन पर्टिकुलर फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में चेक करके अपनी एवरेजिंग करनी चाहिए। आपको पीसी ज्वेलर जैसे स्टॉक में एवरेज करके वेल्थ क्रिएट करने का जो मिथ है ना, वो ड्रॉप कर देना चाहिए आज ही।